अब इस लैंग्वेज को देखते हैं, नंबर ऑफ ए एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी एंड डब्ल्यू। तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स किस टाइप के होंगे? मान लीजिए आपका अल्फाबेट है ए कॉमा बी, तो इस लैंग्वेज में आपकी स्ट्रिंग्स हो जाएंगी ए बी। इस लैंग्वेज में आपका लेमडा भी आ सकता है, क्योंकि लेमडा में जीरो ए है एंड जीरो बी है, या ए बी भी आप ले सकते हैं। वन वन आपका है, नंबर ऑफ ए वन है, नंबर ऑफ बी वन है, या बी ए भी आप ले सकते हैं, या ए बी भी आप ले सकते हैं, या फिर बी बी ए ए भी ले सकते हैं, या फिर ए ए बी बी भी ले सकते हैं, या फिर बी ए भी ले सकते हैं। तो कुछ इस टाइप के स्ट्रिंग्स यहाँ पर होंगे जहाँ पर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी होगा, ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा आप नहीं बना सकते, ठीक है ना, लेकिन इस लैंग्वेज के लिए आप एक डीपीडीए बना सकते हैं, ठीक है ना। तो डीपीडीए चूंकि इसके लिए हम बना सकते हैं, तो ये लैंग्वेज हो जाएगी आपका डीसीएफएल बट नॉट रेगुलर, डीसीएफएल बट नॉट रेगुलर। अब इसके लिए डीपीडीए कैसे बनाएंगे? तो आप क्या कीजिए, एक स्टैक लीजिए, और इसके बाद अगर स्टैक आपका एम्प्टी है और आपको जो भी सिंबल मिलता है, हो सकता है आपको सिंबल ए मिले या फिर हो सकता है आपको सिंबल बी मिले, तो आपको जो भी सिंबल मिलेगा, स्टैक अगर एम्प्टी होगा और आपको जो भी सिंबल मिल रहा है आप उसको पुश करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे, ठीक है ना। और जब भी आपको अपोजिट सिंबल मिलेगा तो आप उसको पॉप कर देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब स्टैक आप लेंगे, स्टैक आपका अगर एम्प्टी है और आपको कोई सिंबल मिल रहा है, स्टैक एम्प्टी है और अगर आपको कोई सिंबल मिल रहा है, तो आप उस सिंबल को स्टैक में पुश करेंगे, और तब तक पुश करते रहेंगे जब तक कि आपको सेम सिंबल मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और अपोजिट सिंबल मिलने पर आप पॉप करना स्टार्ट कर देंगे, और स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये कि आप एक, आपके पास एक स्टैक है और आपके पास एक स्ट्रिंग है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो आपको जो भी सिंबल मिल रहा है आप उस सिंबल को पुश कर देंगे, स्टैक एम्प्टी है तो आपको जो भी सिंबल मिल रहा है आप उस सिंबल को स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है ना। और पुश तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपको सेम सिंबल मिलते रहेंगे, ठीक है ना। और जब भी आपको अपोजिट सिंबल मिलता है, तो अपोजिट सिंबल मिलने पर आप उसमें पॉप करना स्टार्ट कर देंगे, और स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद अगर स्टैक आपका एम्प्टी है तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड। तो पुश एंड पॉप भी यहाँ पर क्लियर है, और ये काम आपने एक सिंगल स्टैक से कर भी लिया है, तो ये लैंग्वेज आपका डिसेबल बट नॉट रेगुलर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, स्ट्रिंग लेते हैं, मान लीजिए ए ए बी 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 ए बी, है ना। अब जैसे कि स्ट्रिंग में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, फाइव यहां पर बी है एंड फाइव ही यहां पर ए है। तो ये मान लीजिए मैंने स्टेक लिया हुआ है, ये फर्स्ट सिंबल मुझे मिला है, स्टैक मेरा एम्प्टी है, मैं ए को पुश कर दूंगा। फिर सेकंड सिंबल मैं ले रहा हूँ, अब देखिए सेम सिंबल मुझे मिल रहा है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो मैं इसको पुश कर दूंगा। अब देखिए मुझे अपोजिट सिंबल मिल रहा है बी ए, तो मैं इसको पॉप कर दूंगा। फिर देखिए मुझे अपोजिट सिंबल मिल रहा है, तो मैं इसको पॉप कर दूंगा। अब देखिए फिर मुझे सिंबल बी मिल रहा है, लेकिन स्टैक मेरा एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पर बी को पुश कर दूंगा। देन सेम सिंबल मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर बी को पुश कर दूंगा। देन मुझे अपोजिट मिल रहा है, तो मैं बी को पॉप कर दूंगा। देन मुझे सेम मिल रहा है, तो मैं बी को पुश कर दूंगा। देन अपोजिट मिल रहा है, तो बी को पॉप कर दूंगा। देन अपोजिट मिल रहा है, तो मैं बी को पॉप कर दूंगा। स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद स्टैक आपका एम्प्टी है, मींस स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। तो इस रूल को अगर यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए आप इस रूल को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा डीसीएफएल बट नॉट रेगुलर, क्योंकि यहाँ पर पुश एंड पॉप भी क्लियर है, और आप इस काम को एक सिंगल स्टैक से कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके और भी वेरिएशन हो सकते हैं, वेरिएशन इस टाइप से भी हो सकते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मान लीजिए एन ए डब्ल्यू इज इक्वल टू थ्री एन बी डब्ल्यू भी हो सकता है, या एन ए डब्ल्यू इज इक्वल टू टू एन बी डब्ल्यू प्लस फाइव। तो इसके लिए भी आप रूल्स अकॉर्डिंगली आप इसके इसके लिए भी आप रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी आपका डीसीएफएल बट नॉट रेगुलर हो जाएगा। या मान लीजिए यहाँ जो हमने इक्वल लगाया है, इक्वल की जगह पर यहाँ पर नॉट इक्वल हो सकता है, या लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये सभी जो प्रॉब्लम जो हमने यहाँ डिस्कस की है, ये सभी लैंग्वेजेस आपका डीसीएफएल बट नॉट रेगुलर हो जाएंगी, क्योंकि इन सभी के लिए आप एक डीपीडीए क्रिएट कर सकते हैं।